गुजराती स्क्रीन एंड स्टेज अवार्ड्स क्या कहना चाहेंगे 21st एनुअल गुजराती स्क्रीन एंड स्टेज अवार्ड्स ऑफ ट्रांसमीडिया। ये बड़े गर्व की बात है कि गुजराती एक अवार्ड ऐसा है कि जो 21 साल से लगातार चल रहा है, वो भी मुंबई में। इट्स अ ह्यूज ह्यूज थिंग फॉर अस, क्योंकि ऐसा प्लेटफॉर्म और कहां पर हमें मुंबई में मिलेगा। सो इट्स जैसे स्क्रीन के या स्टेज के जितने भी महानुभाव है, जितने भी कलाकार है, कस्बी लोग हैं, सब आते हैं यहाँ पर, एक अपने वालों से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनको इतना प्रोत्साहित करते हैं जसमीन भाई शाह। और जिस तरह से स्टेज मुंजाल, जिस तरह से सालों साल जिस तरह से सजाते आए हैं ना, इट्स रियली अ यूनिक एक्सपीरियंस फॉर ऑल द गुजराती एक्टर्स ऑफ स्क्रीन एंड स्टेज। सो वी आर वेरी हैप्पी कि हम लोग पहले टाइम से एसोसिएटेड है द कनोडिया फैमिली, मी हितू कनोडिया एंड मोना थीबा, नाउ शी इज़ माई वाइफ। सो पहले से हम लोग एसोसिएटेड है और इतने सालों से हम लोग लगातार परफॉर्म करते आए हैं, इतने अवार्ड्स लेते आए हैं और इस साल भी हम वापस परफॉर्म भी कर रहे हैं। सो इट्स अ फैमिली फॉर अस। एंड अभी तो मुझे लगता है सब कलाकारों को ऐसा ही लग रहा है कि ट्रांसमीडिया इज अ होम फॉर अस। एंड ऑल द बेस्ट, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन, बस ऐसा फॉर 50 मोर जस्ट चालू ही रखना। थैंक यू। ट्रांसमीडिया 21st अवार्ड्स, मतलब 21 साल से ये चल रहा है। मैं पहले साल से इनके साथ एसोसिएट थी, मैं पहले साल से अब तक, इट्स बीन 21 ईयर्स टुगेदर विद ट्रांसमीडिया। और हर साल हम वेट करते हैं कि ट्रांसमीडिया अवार्ड्स कब होंगे, क्योंकि अवार्ड्स हमेशा, दिस वाज द ओनली अवार्ड ऑफ गुजराती फिल्म्स जो एक्टर्स को, कलाकार को प्रोत्साहित करता था, एंकरेज करता था। अवार्ड जब मिलता है ना, तो कलाकार को लगता है कि मेरी मेहनत सफल हुई, लोगों ने अप्रिशिएट किया। पैसे तो मिलते हैं, पर जब अप्रिसिएशन मिलता है अवार्ड के द्वारा, तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। और तब उन्होंने शुरू किया था जब गुजराती अवार्ड्स बहुत नहीं होते थे, तभी तो 21 ईयर्स से अभी तक चल रहा है। दैट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर अस गुजराती। स्पेशल थैंक्स टू ट्रांसमीडिया, क्योंकि हम लोग कनेक्टेड इसी तरह हुए, साथ में परफॉर्म करते करते, नाउ वी आर मैरिड एंड वी हैव अ सन नाउ। सो थैंक यू वेरी मच, लव यू ट्रांसमीडिया ऑलवेज, लव यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ट्रांसमीडिया फिल्म अवार्ड અને હું ઘણા બધા ફિલ્મ માટે મને એવોર્ડ મળ્યા છે ટ્રાન્સમીડિયાના, પણ આ ગુજરાત માટે બહુ મોટી વાત છે અને ગુજરાતી ભાષા માટે બહુ મોટી વાત છે, કારણ કે આ એકમાત્ર એવો એવોર્ડ છે જે કલાકાર અને કસબીઓને સાથે રાખીને એવોર્ડ આપે છે, અને ગુજરાતનો નહીં પણ ઇન્ડિયાનો, આખા ઇન્ડિયાનો ગુજરાતમાં ગુજરાતી ભાષામાં થતો મોટો એવોર્ડ છે। સો થેન્ક યુ વેરી મચ અને ઓલ ધ બેસ્ટ બધા નોમિનેશનમાં। ठीक है, यस। गुजराती में मत पूछना। आई नो, आई थिंक इट्स कमेंडेबल। आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट, कंग्रेचुलेशंस फॉर कम्प्लीटिंग 21 ईयर्स। आपने कम्प्लीट किए, बहुत खुश हूँ मैं यहाँ पर आके आज। एंड हम लोग सब रेडी हैं टू सेलिब्रेट। फैंटास्टिक। मुझे लगता है कि ऐसा दुनिया का कोई भी कोना नहीं होगा जहाँ गुजराती नहीं है, और हाई टाइम है कि गुजराती सिनेमा नीड्स टू गो टू द वर्ल्ड स्टेज। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
हेलो थोड़ा सा आपने जी जी 21st ईयर है अवार्ड का सामने देख लिया जी तो क्या कहना चाहेंगे आपकी किसी फिल्म की नॉमिनेशन है आप परफॉर्म कर रहे हैं हम दोनों का नॉमिनेशन है सरपंच फिल्म के लिए बेस्ट डेब्यूट एक्टर के लिए तो मैं मायसेल्फ करण राजवीर एंड शी इज निराली ओझा सो बहुत एक्साइटेड है देखते हैं अभी क्या होता है अवार्ड्स मिलते हैं या नहीं एंड हम दोनों परफॉर्म भी कर रहे हैं अंदर सो लेट्स सी क्या होता है क्या कहना चाहेंगे इट्स अ शियर ऑनर एंड प्रिविलेज टू बी स्टैंडिंग हियर फ्रंट ऑफ यू ऑल एंड आई एम नॉमिनेटेड तो आई एम वेरी हैप्पी एंड होपिंग फॉर द बेस्ट इन द फ्यूचर ऑल्सो एंड इन प्रेजेंट ऑल्सो लेट्स सी थैंक यू बाय थैंक यू सो एनी क्वेश्चन डायरेक्टली हैव टू मैं बोलूँगा ना हाँ आप सामने ही देख रहे हाँ हाँ रोलिंग हाँ हाँ वेट करना इसलिए रोलिंग ये मेरा फोन में ले लो ना थोड़ा ये साइड से ले लो ना हिमांशु ये साइड से यस एक्चुअली मैं सबसे पहले तो जश्मीन शाह जी को सैल्यूट करना चाहूँगी क्योंकि लास्ट 21 साल से वो अकेले ये अवार्ड कर रहे हैं आज तक उन्होंने कोई स्पॉन्सरशिप नहीं लिया है या कभी किसी का सपोर्ट नहीं लिया है उन्होंने ये अवार्ड में साथ देने के लिए हमेशा अपने हाथ अकेले किया हुआ है और सैल्यूट है उनको और लास्ट 21 साल से इतना अच्छा अवार्ड कर रहे हैं और ना ही सिर्फ फिल्मों को अवार्ड दे रहे हैं वो हर बार सीरियल्स को देते हैं गुजराती सीरियल्स को भी उन्होंने इतना ही प्रायोरिटी दिया है गुजराती नाटक को भी इतना ही प्रायोरिटी दिया है तो लोग एक्चुअली गुजरात में बॉम्बे में जो भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और नहीं भी जुड़े हुए हैं वो लोग जो भी इस अवार्ड से जुड़े हुए जो जश्मीन शाह जी से जुड़े हुए हैं जो फिल्म वालों के रिलेटेड जुड़े हुए वो सब लोग वेट करते हैं कि भाई ट्रांसमीडिया अवार्ड कब आए और हम लोग कब जाए और सब लोग डेस्परेटली वेट करते हैं और ये अवार्ड बहुत अच्छे से जेन्युइनली होता है सो आई एम रियली फीलिंग प्राउड फॉर दिस कि मैं भी आऊँ हमेशा और ये अवार्ड ऐसे ही चलता रहे और आज 21वां साल है चार साल के बाद 25 इयर्स ख़त्म हो जाएंगे सो बहुत ही बड़ा सेलिब्रेशन होगा ऑब्वियसली थैंक यू इक्कीस साल से मैं कंटिन्यू आ रही हूँ एंड बहुत खुशी हो रही कि आज बोलते हैं ना एक बच्चा जो इतना बड़ा हो गया 21 साल का एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू जश्मीन शाह ये बोल सकते हैं ना कि वन मैन शो उन्होंने अकेले ने इतने साल तक इस अवार्ड को किया और सब पूरी गुजराती गुजरात से और मुंबई के सभी लोगों को यहाँ पे मुंबई में इकट्ठा करके इतना बड़ा प्रोग्राम करना तो वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है लेकिन फिर भी उन्होंने 21 साल तक कंटिन्यू कर दिखाया और आगे भी मैं तो चाहती हूँ कि भले हम रहे ना रहे इतने साल तक मैं जीऊँ लेकिन ये सालों साल चलता रहे थैंक यू सो मच थैंक यू जहाँ तक इस अवार्ड शो के बारे में मुझे पता चला है कि ये पिछले 21 सालों से चलता आ रहा है और अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है और जिनको करवाते आ रहे हैं मिस्टर जैस्मिन शाह जी
और वो भी विदाउट एनी स्पॉन्सर. सो कॉन्ग्रेचुलेशन सर, बहुत अच्छा लग रहा है. और सबसे बड़ी बात कि मैं मुंबई में किसी अवार्ड शो में फर्स्ट टाइम आई हूँ और मुझे सच में बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है. मुझे भी बहुत खुशी हो रही है और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी जैस्मिन सर को और उनकी पूरी टीम को, उनकी पूरी फैमिली को, कि वाकई में एक अकेले इंडिपेंडेंट इतना बड़ा शो करना, इतना बड़ा अवार्ड करना, इट्स रियली अमेजिंग. एंड कॉन्ग्रेचुलेशन जैस्मिन सर और उनकी सारी टीम को, बहुत सारा प्यार. और आज कुछ परफॉर्मेंस होने वाली है आपके? मैं परफॉर्म तो नहीं करने वाली हूँ, अभी मैच में देखने के लिए आई. अपकमिंग प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं, जैसे कि सब जानते हैं कि मैं पंजाब से हूँ और बहुत सारे पंजाबी गाने मैंने किए हैं. लॉन्ग लाची तो सबने सुना ही है. और अपकमिंग मुझे, मैंने कुछ मूवीज़ करी हैं पंजाबी फीचर मूवीज़, वो आने वाली हैं. उसके साथ बहुत सारे मेरे सिंगल ट्रैक्स हैं एंड प्लेबैक में मेन मेरा काम है, प्लेबैक करती हूँ. तो बहुत सारी फिल्मों में गाने आ रहे हैं और रिसेंटली एक रिलीज़ हुआ है जिसका नाम है मेरा राजा, वो अभी रिसेंटली अभी रिलीज़ हुआ है. सो बस जी, श्योर श्योर. बीतू लौंग वे महलाची, तेरे पीछे अंगवाची, तेरे शाके निमारी कुड़ी कच दी कवारी, वे मैं चंबे दे पहाड़ा वाली शाम, वे मुंडिया संदली संदली नैना विच तेरा नाम, वे मुंडिया संदली संदली नैना विच तेरा नाम, वे मुंडिया संदली संदली नैना विच तेरा नाम, वे मुंडिया. थैंक यू. संजीव दर्शन जी, बहुत मुबारक हो आप इस अवार्ड के लिए. 21 साल हो गया इस अवार्ड को. जैस्मिन जी और गुजराती का सबसे बड़ा अवार्ड है कलर्स पे आने वाला, क्या कहना चाहेंगे? जैस्मिन भाई एंड टीम जो है उनको बहुत बहुत बधाई. आई थिंक गुजराती इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ अगर मैं कहूँगा किसी का है तो वो वन ऑफ द नेम है जैस्मिन शाह. एंड आई रियली थैंक यू जैस्मिन जी कि आपने संजीव दर्शन को याद किया. और आपका और हमारा रिश्ता तो बहुत पुराना है और बहुत दिली रिश्ता है, इसलिए मैं कहूँगा कि हमारे लिए ये यहाँ आना एक अपनापन है, एक ऑनर है और एक अपने लोगों के लिए आना, जैसे जिसे कहते हैं बिल्कुल वही है. सो आई विश ऑल द बेस्ट एंड आई एम श्योर कि कलर्स के जितनी भी ऑडियंस है दे आर गोइंग टू लव दिस शो डेफिनेटली. ऑल्सो मैं कहना चाहूँगा कि 21st ईयर तो सिर्फ एक शुरुआत है. यस, ये चलने ही वाला है. दिस इज गोइंग टू बी 50 ईयर्स, 100 ईयर्स, 500 ईयर्स, 1000 ईयर्स. ऑल द बेस्ट. थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच. आइए, सुपर. नॉमिनेटेड है कुछ अपना? आओ साथ में, साथ में बांट दो. अभी लाइट कवर हो रहा है. हाँ ठीक है. डोले तपन जी, 21st ईयर है ट्रांसमीडिया गुजराती अवार्ड्स के कलर्स पे आने वाला है, तो जैस्मिन जी के लिए और इस अवार्ड के लिए क्या कहना चाहेंगे? जब पहली मर्तबा 21 साल पहले ये अवार्ड हुआ था तब मेरा एक प्ले नॉमिनेट हुआ था और उस प्ले के लिए मुझे बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था. और ये ट्रांसमीडिया अवार्ड उस वजह से मेरे लिए बहुत स्पेशल है और आज की शाम, ये 21 साल की शाम मुझे फिर से एक अवार्ड से सम्मान किया जा रहा है, जिसके लिए मैं ट्रांसमीडिया और सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ. शर्मन, इसके अलावा गुजराती में क्या कोई प्लान है?
हाँ जी, मैंने एक फिल्म की है गुजराती में और उम्मीद करता हूँ आने वाले दिनों में और करूँगा। शुक्रिया। मैं पूछूंगा, बोले सर, 21st ईयर है जसमीन जी का, गुजरातियों के लिए सबसे बड़ा अवार्ड फंक्शन होता है ये और कलर्स पे आ रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है कि ट्रांसमीडिया 21 साल से ये अवार्ड फंक्शन कर रहा है गुजराती स्टेज के लिए, गुजराती फिल्म्स के लिए और बाकी सब लोगों के लिए, बहुत अच्छी बात है। और 21 साल से बड़े ज़ोर शोर से चल रहा है और आज 21वां साल का ये अवार्ड फंक्शन है तो बहुत सराहनीय बात है। जसमीन जी को मैं बहुत बधाई देता हूँ इस बात के लिए। ओके।